पेट भरने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता है, जितनी ज्यादा जरूरत उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ सोलन शहर में आए हुए इन खाना बदोश लोहारों की, जो काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। किस तरह ये अपना व अपने परिवार का पेट भर रहे हैं, आइए जानते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं और ये लोहार का काम कब से कर रहे हैं आप? ये ऐसा है ना, हमारा जो खानदानी काम है, रहने वाले तो है चित्तौड़गढ़, खास गांव का नाम है। कुछ 200-400 बचा भी लेते हैं और खर्चा भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये 200-400 इसलिए बचाते हैं क्यों, बच्चे भी है, लड़के की भी शादी करनी, लड़का की सबकी शादी करनी, बर्तन भांडे, ये टूम टाम तो देखो इतने महंगा के जमाने में किसको मिले। जैसे मतलब हम यहाँ पर रहकर मम्मी पापा भी है हमारे साथ, वो तो लोहे का काम करते हैं। ऐसे ना सब ये काम करते हैं, किसी को मकान मिल गया, किसी को जमीन मिल गई, लेकिन हमें नहीं मिली। आपके परिवार में कितने लोग हैं और क्या क्या कर रहे हैं? हमारे परिवार में काफी लोग हैं, काम ये करते हैं, सब लोहे का ही काम करते हैं। बस मुश्किल का क्या बताना, ऐसी मुश्किल है ना, ना घर है, जिंदगी में पहली बार ये कभी भी किसी का ऐसी हालत होनी नहीं जैसे हमारी हालत है, क्योंकि तूफान आता है, बारिश आती है, बर्फ गिरता है, ओले गिरते हैं, इस पन्नी के अंदर रहते हैं या कुछ ही मरो या यहाँ पर बात चल रही, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। इस वजह से हम खान पान घर रखते हैं, अगर जो हमारे हाथ में हो गया तो सोचते हैं, नहीं तो भाई। मैं ऐसे समुदाय से संबंध रखता हूँ जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे ही और न जाने कितने लोग हैं जो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। मुझे ये देखकर दुख होता है कि इन लोगों के पास अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए कभी न पूरे होने वाले सपने हैं। मैं चाहता हूँ सरकार इन खानाबदोश परिवार की तरफ भी ध्यान दे, ताकि इनके बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल हो। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से मैं अवधेश नेगी, इंडिया अनहर्ड के लिए।